इसे स्वाना का लहंगा बनाऊंगी। ये मेरी मैक्सी है तो इसे तो मैं नहीं निकालती। मैंने कहा कि इससे एक बार ना स्वाना के लिए लहंगा बनाऊंगी, लहंगा और चोली, तो वो बनाऊंगी, उसके बाद में इसे निकाल दूंगी। अच्छा सही हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो आज संडे का दिन है और संडे के दिन फ्री होती हूँ मैं। आप लोग भी सोच रहे होंगे तो सुबह सुबह मैंने क्या लंडा वाला खोल के रखी है। तो कपड़े अब इतने जमा हो चुके हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। अलमारी फुल भर चुकी है तो बहुत ही ज़्यादा हो चुके हैं, क्योंकि इस बार मैंने सिलवाए भी बहुत ज़्यादा है। तो अब ये है कि मैं अपने कपड़े ना बस निकाल रही हूँ। तो जो कहे कि मेरे कपड़े तो ऐसे होते हैं ना कि कोई पहन तो सकता नहीं। और दूसरी बात ये कि मेरी आदत नहीं है, लोग तो कहते हैं, हम मुझे अक्सर पूछते रहते कि इतने कपड़ों का आप करती है, कि मैं ना अपने कपड़े पहने हुए कपड़े किसी को भी नहीं देती। मैं अपने पहने हुए कपड़े किसी को भी नहीं देती। तो बस ये है कि कुछ ड्रेस जो बहुत खास होते हैं, अच्छे लग रहे होते हैं, तो सिस्टर्स वगैरह को दे देती हूँ, पहन लेती है, बाकी मैं किसी को भी देती। तो अब ये है कि अलमारी में कपड़े रखने की जगह बिल्कुल नहीं है। लेकिन मसला ये कि पहनने के लिए भी कपड़े नहीं है यार, पता है, समझ नहीं आता, क्योंकि इतने सारे कपड़े हैं ना पहने हुए दोबारा पहने हुए कपड़ों को ना दिल नहीं करता पहनने को। तो ये तो देखें, ये तो इतने सारे जो कपड़े हैं, ये सारे फजूल। तो ये सारे जो कपड़े हैं ना, ये देखें, ये सारे मैंने निकाले हुए हैं। तो अब तो और भी हैं, अब तो छांटी और हैं, अब तो और भी निकलेंगे, अब तो और भी कपड़े निकल रहे हैं, तो बहुत ज्यादा कपड़ा होगा। आज ही मैं कह रही थी अपने हस्बैंड को, यार मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं, मेरे पास पहनने के लिए कपड़े। तो ये मेरा नहीं, ये मसला सारी खवातीन के साथ है, ये मसला सारी खवातीन के साथ है। उनकी अलमारी में रखने की जगह नहीं होती और पहनने के लिए कपड़े नहीं होते। तो बस यार, मुझे ना दिल खराब हो रहा था कितने दिनों से ना। अपने हस्बैंड की अपनी की भी थी इसी तरह से, यूं कपड़े पड़े रहते, तो बहुत ही दिल खराब हो रहा था। तो आज संडे का दिन है तो मैंने कहा चलो भाई फ्री हूँ, तो अभी मैं निकाल ही देती हूँ। अभी अलमारी सेट करने के बाद बताऊंगी कि मैंने कैसे सेट किए। ईद पे भी मैंने तकरीबन मैंने 7-8 ड्रेस मैंने सिलवाए हैं, 7-8 ड्रेस सिलवाई है। दो इसे स्वाना का लहंगा बनाऊंगी। ये मेरी मैक्सी है तो इसे तो मैं नहीं निकालती। मैंने कहा कि इससे एक बार ना स्वाना के लिए लहंगा बनाऊंगी, लहंगा और चोली, तो वो बनाऊंगी, उसके बाद में इसे निकाल दूंगी। अच्छा बनेगा ना, मैंने सोचा हुआ, इसीलिए मैं इसको निकालती हूँ। ये इतना प्यारा बनेगा ना इसका लहंगा, ये देखे फुल ना लहंगा, ये देखे पूरी बहुत ही अच्छा बनेगा, स्वाना का बनेगा ना, इतनी तो पूरी देखे वो उसकी ना नीचे की घेर आएगी। तो ये मेरा, ये भी पता है कितने साल पुराना है, ये भी 2-3 साल पुराना है, लेकिन इसे सिर्फ मैंने पहना है 3 times, इसे मैंने सिर्फ 3 बार ही पहना है, 3 बार से ज्यादा मैंने पहना भी नहीं है। तो तकरीबन सारे कपड़े ऐसे, और आज संडे का दिन है, मैं तो सोच रहा हूँ सुबह सुबह व्लॉग बनाऊंगी कि आज कहाँ जा रहे हैं, लेकिन के रखा है। तो अब ये सब सेट करने के बाद इंशाल्लाह ताला कहीं जाएंगे भी, और कहीं जाएंगे तो वहाँ का व्लॉग बनाएंगे। फिलहाल तो मैं इसके देश के जो दो वो थे ना, वो फिलहाल तो मैं कपड़े सेट कर रही हूँ, सेट करने के बाद ये दो स्वाना सीधे रख के रखे। हाँ तो मैं पीछे आप देख रहे होंगे कि बैकग्राउंड ब्लैक की है, तो यार वो वीडियोस बनाती हूँ ना, तो वो वीडियो के लिए मैंने करके रखा। और कपड़े मेरे ऐसे हैं ना कि इतने साल पुराने हैं ना, लेकिन टस से मस्त नहीं होते ना, फटते हैं ना, कलर होता है, पता नहीं क्या मसला है। तो इसीलिए ना उनको फेंकने को दिल भी नहीं करता और पहनने को भी दिल नहीं करता। और अब स्वाना तो बिल्कुल छोटी है, और वैसे भी ना मैं पहने हुए कपड़े किसी को नहीं पहनाती। अक्सर लोग कहते हैं ना एक बच्चा पैदा हो जाता है तो फिर मलिया चुप रहा ना थोड़ी देर, फेंक दो, एक बच्चा पैदा हो जाता है तो फिर जब दूसरा बच्चा आने वाला होता है तो पहले बच्चे के कपड़े लोग रख लेते कि नहीं अभी नहीं पहनना, बच्चा आएगा तो उसको पहनाएंगे। मैं इस तरह से नहीं करती, बस ये बात नहीं है, मैं ना वो निकाल देती हूँ वो, इसलिए मैं कहती हूँ जब अगला बच्चा आएगा तो उस बच्चे का नसीब वो, जब अगला बच्चा आएगा वो अपने नसीब से कपड़े पहनेगा भाई। तो मैं ना हर बार हर बच्चे के लिए नए कपड़े लेती हूँ, और मेरा खुद का भी यही है। अब स्वाना तो मुझे कहती है मामा ये ड्रेस मुझे दे दो, शीजा भी कहती है ये ड्रेस मुझे दे दो, इस तरीके के कपड़े होते हैं मुझे दे दो, लेकिन मैं ना नहीं रखती हूँ बच्चों के लिए, ना देती हूँ। बस जब बच्चियों का टाइम होगा तो अल्लाह मालिक, अल्लाह ताला दे देगा, वो ही देने वाला है, रखने से कुछ नहीं होता है, पिछड़ा रखो। अब तो मैं कह रही हूँ अपने हस्बैंड से, खोल दिया मैंने लपेट के रखा था कि मुझे ना एक और अलमारी ला के दो यार, बस कपड़े नहीं रखे जाते। अब तो ये कपड़े तो सिर्फ वो हैं जिन्हें मैं यूज़ कर चुकी हूँ, और इनके अलावा बिना यूज किए हुए कपड़े भी हैं जो कि वो यहाँ नहीं है, जो कि मैं सूटकेस में रखती हूँ। बहुत ही ज्यादा ना, पूछो मत इतना,
करते हैं। गुस्सा आता है, इतना सारा कचरा देख के तो गुस्सा आता है। तो होने वाला यही नहीं जब तक मैं काम कर रही हूँ, जब तक आप लोग करें मेरा वेट, अलमारी सेट हो जाए फिर हम बात करते हैं। तो गाइस अलमारी सेट हो चुकी है, तो अंधेरा हो रहा है, तो ये सारी मेरी जीन्स की पेंटें हैं और टाइजे वगैरह हैं, और ये सारे जो कहे ना वन पीस शर्ट वगैरह टॉप वगैरह जो वन पीस हैं वो हैं, और ये सारे मेरे थ्री पीस सूट हैं, ये सारे थ्री पीस हैं मेरे, ये सारे सूट हैं, ये सारे वो कपड़े हैं जिनको मैं पहन चुकी हूँ, और ये जो कपड़े हैं मेरे रफ़ यूज़ के हैं, रेगुलर यूज़ के हैं, जिनको मैं रोज़ रोज़ पहनती हूँ, और बाकी जो नीचे कपड़े हैं वो न्यू कपड़े हैं, और ये सारे पहने हुए कपड़े हैं। मुझे बड़ा शौक है यार, अब तक भी शादी को इतने साल हो चुके हैं कि सजाऊं धजाऊं घर को, ये करूं। तो ये मेरी अलमारी है, ये मेरे हस्बैंड की, और इसमें भी हस्बैंड के कपड़े होते हैं। आज का व्लॉग, संडे के दिन हमने की अपनी अलमारी की सफाई, और ये तो वो कपड़े थे, और उसके अलावा मैंने इतना बड़ा ना इतनी बड़ी थैली जो कि फजूल कपड़ों की निकाल के रखी है, बहुत ही ज़्यादा था, यानी कि यूँ समझ लो कि आधी अलमारी तो निकल चुकी है फजूल कपड़ों की। तो यही था छोटा सा आज का व्लॉग। अब है संडे, अब बाहर जाने की तैयारी हो रही है, कपड़े आयरन हो चुके हैं, चाय पी के हम लोग निकलने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को व्लॉग पसंद आया होगा, तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक दीजिएगा इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़। बोलो अल्लाह हाफिज़। बोलो अल्लाह हाफिज़।